हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडीज सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कवर कर रहे थे, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हम लोग कवर कर रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे थे, तो आज का जो लेक्चर होने वाली हम लोग का लेक्चर नंबर 7 होगी। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। सारा का सारा लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो सेशन है ये रेगुलर वालों के लिए भी और साथ में कैरी वालों के लिए भी। तो रेगुलर वालों प्लस में कैरी वाले लोग सबके लिए आप लोग सब लोग अच्छे से कवर करते हुए देख चलिएगा, ठीक है। सारा का सारा वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आराम से जाइए पढ़िए और याद करिए और देखिए कितना आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। मेरा नाम है शुभम कुमार, आप लोग देख रहे हैं H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल। दिस इज ए पार्ट ऑफ H2O स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशंस को। तो आज का सेशन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 61 से चलने वाली है। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट करने वाले। तो देखिए, फर्स्ट क्या बोलता है, ए स्क्वायर पिरामिड इज डेवलप्ड बाई विच मेथड। अगर एक मेरे को स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ, अगर उसको मेरे को डेवलप करना है तो कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर पिरामिड हो चाहे कोन हो, दोनों को हम लोग रेडियल मेथड के सहारे ही बनाते हैं। तो रेडियल मेथड इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट विल बी द जनरेटेड शेप इफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज रोटेटेड अबाउट वन ऑफ इट्स परपेंडिकुलर साइड। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर इस परपेंडिकुलर साइड के चारों तरफ अगर हम लोग इसको रोटेट करें, देखिएगा ये परपेंडिकुलर साइड है या ये परपेंडिकुलर साइड है, तो इसको चारों तरफ एक बार रोटेट करके आप घुमा के देखिए। तो इसको जब आप एक बार घुमाइएगा ना, तो लग रहा है ना कि ये इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, नीचे इस तरह से सर्कल रोटेट हो जाएगा। तो ये क्या तैयार होगी, ये आपको एक कोन मिलेगा। कोन यानी राइट सर्कुलर, राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार गोले गोले आप रोटेट करिएगा कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अनुसार, तो वहां से जो भी मिलेगी वो आपको एक कोन तैयार होगा। कोन विच इज यूज्ड इन ए शीट मेटल फाउंड्री शॉप। शीट मेटल फाउंड्री शॉप में जनरली किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, सेक्शन ऑफ सॉलिड्स का, रोटेशन ऑफ सॉलिड का, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड का। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है। नेक्स्ट, स्क्वायर प्रिज्म हैज नंबर ऑफ एजेज। एक स्क्वायर प्रिज्म है, इसका अगर नंबर ऑफ एजेज की संख्या देखा जाए, तो एज देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक यहाँ से यहाँ तक जाएगा 10, और एक एन ए आएगा 11, और एक ये वाला इसके साथ मैच करेगा 12। तो टोटल इसका कैगो साइड, कैगो एज मिलेगा, 12 को एज मिलेगा। लेंथ ऑफ ए लाइन, लेंथ ऑफ द लाइंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सरफेस ऑफ ए सॉलिड विल बी। डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड के सरफेस को डेवलपमेंट कर रहे हो, तो कोई भी सॉलिड के सरफेस को डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप उसके लिए ट्रू लेंथ का इस्तेमाल करिए। लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ट्रू लेंथ का इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट, सेक्शन ऑफ कोन कट बाई ए प्लेन, कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन इज एन इलिप्स, पैरालेलोग्राम, सर्कल या फिर नॉन ऑफ। देखो, कोन दिया हुआ है ऐसे, और सेक्शन ऑफ ए कोन कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कोन, ये एक्सिस है, और प्लेन कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन। अगर हम लोग इसको इस तरह से करते हैं तो ये एक ऐसे कटेगा, तो एक्सिस ऑफ द कोन इज, तो एगो तो ये नहीं, तो एगो ऐसे मान लेते कटेगा, तो ये तो होगा नहीं। अगर यहाँ से ऐसे डायमीटर के लॉन्ग काटेंगे तो ये तो परपेंडिकुलर बन नहीं रहा है, ये बनेगा यहाँ पे। अगर कॉर्ड के काटेंगे तो नहीं, तो ये क्या बनेगा, ये सर्कल तैयार होगी, एक सर्कल बनेगा, ठीक है, यही इसका परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी। ऑब्लिक प्लेन इज ए
प्लेन विच इज ऑब्लिक प्लेन किसको बोलते हैं, इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी या इंक्लाइंड टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी, परपेंडिकुलर टू द बोथ एचपी एंड वीपी या फिर सेम एज प्रोफाइल प्लेन। तो देखिए ऑब्लिक प्लेन किसको बोलते हैं, विच प्लेन इज नाइदर बी पैरालेल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड नॉर द पैरालेल ऑफ वर्टिकल प्लेन, विच इज इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड बोथ प्लेन इज नॉन एज ऑब्लिक प्लेन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बोथ प्लेन के इंक्लाइंड होता है उसको ऑब्लिक प्लेन के नाम से जानते हैं। आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ ए लाइन इज, कोई भी लाइन का आइसोमेट्रिक लेंथ की बात किया जा रहा है, तो आइसोमेट्रिक लेंथ, तो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में ट्रू लेंथ बराबर 0.815। तो यहाँ से अगर आइसोमेट्रिक लेंथ निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 0.815 गुने ट्रू लेंथ, ये हो जाएगा 0.815 गुने ट्रू लेंथ है रूट थ्री बटा टू, टू रूट थ्री 0.815 इंटू ट्रू लेंथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 68 के बाद देखिएगा 69, व्हेन ए सेमी सर्कल इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर, एक सेमी सर्कल ऐसे ले ले रहा है, इसको डायमीटर के अबाउट गोले गोले हम लोग रोटेट करवाएंगे, तो डायमीटर सॉलिड जनरेटेड विल बी, तो यहाँ पे किस प्रकार का सॉलिड जनरेट होगा, तो ऐसे गोले गोले हम लोग जब घुमाएंगे ना तो यहाँ पे एक प्रकार का स्फेयर जनरेट होगा, गोला बनेगा, इससे पूरा राउंड गोला तैयार होगा। 69 के बाद देखिएगा 70, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए स्फेयर विल बी, अगर एक स्फेयर का गोला का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, यानी कोई भी गोला का अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है तो मेरे को आइसोमेट्रिक लेंथ बनाना होगा, यही ना, आइसोमेट्रिक लेंथ पे ही आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनती है और ऑब्वियसली एक आइसोमेट्रिक लेंथ ट्रू लेंथ के कंपेरिजन में छोटा होता है। तो देखिए ए सर्कल ऑफ डायमीटर इक्वल टू द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फेयर, नहीं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, अगर आइसोमेट्रिक व्यू रहता ना तब ये सही हो जाता, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में छोटा बनता, तो ए सर्कल ऑफ डायमीटर लेस देन द ट्रू डायमीटर ऑफ द स्फेयर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ये होगा। ये जो एक्चुअल में जो स्फेयर का जो डायमीटर होगा ना उससे छोटा बनेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो स्फेयर बनेगा ना उसका डायमीटर, हाँ डायमीटर यानी एक्चुअल से छोटा बनेगा, तो ए स्फेयर ऑफ डायमीटर मोर देन, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 70 का। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑल द प्रोजेक्शंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, पैरालेल टू द प्लेन होता है, बोथ होगा दोनों, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 18 एजेज आर इन, किसका इसमें से 18 को एज होता है, पिछले सेशन में भी आपको एक क्वेश्चन इस तरह से करवाए थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो रिपीट करेगा ही। तो इसमें देखिए 18 एजेज किसको हम बताए थे, आपको हेक्सागोनल प्रिज्म के बारे में बताए थे, यही देखिए इसका आप काउंट करके देख लीजिए, 18 को एज आपको दिख जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया ना 18 को एज, तो ये हेक्सागोनल प्रिज्म का होता है। नेक्स्ट, इन विच प्रोजेक्शन लेंथ आर रिड्यूस, कौन सा ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें लेंथ रिड्यूस्ड हो जाता है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ रिड्यूस हो जाता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तो जितना बड़का ऑब्जेक्ट का लेंथ है उतना तो लेंथ मिल ही जाता है, लेकिन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ रिड्यूस्ड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बनेगा। रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू द एक्चुअल लेंथ इज, तो आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ बराबर 0.82 आ जाएगा, ठीक है 0.82, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो जिनका जिनका भी सी आ रहा है एकदम सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द वर्टिकल फेसेस ऑफ पिरामिड, ऊपर से देखिए तो ऊपर से जब वर्टिकल फेस देखिएगा ना तो देखिए नीचे से क्या दिखेगा, ये वाला ऐसे ऐसे इन्हें से इस तरह से स्क्वायर टाइप का दिखेगा आपको। आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक स्केल जो है ना हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट।
प्रिज्म हैज खाली जगह वर्टिकल फेसेस, प्रिज्म का कैसन वर्टिकल फेसेस होता है तो अभी जस्ट हम लोग देखे है ना। अगर स्क्वायर प्रिज्म रहेगा, अगर उसका वर्टिकल फेस देखेंगे ना तो स्क्वायर जैसा दिखेगा। क्यूब हैज फेसेस ऑफ, क्यूब का जो कैसा फेस होता है, क्यूब का ट्रायंगुलर टाइप का, रेक्टेंगुलर टाइप का, स्क्वायर टाइप का, क्यूब का स्क्वायर टाइप का फेस होता है, क्यूबाइड का रेक्टेंगल टाइप का फेस होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इसका करेक्ट। 78 के बाद देखिएगा 79, ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म आर, देखिए ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, इसका ऑल वर्टिकल फेसेस, तो देखिए ऊपर से देखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे एगो स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, स्क्वायर या रेक्टेंगल दिखेगा इस तरह का, ये लेंथ हो बड़ा तो ये रेक्टेंगल दिखेगा। एन से देखिएगा तो ये ऐसे एक स्क्वायर दिखेगा, एन से जब दिखिएगा ये आपको एक इस तरह का ट्रायंगल दिखेगा, रेक्टेंगल स्क्वायर ट्रायंगल सब दिखने वाला। वर्टिकल फेसेस ऑफ द ट्रायंगुलर प्रिज्म, एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर, एगो कोई वर्टिकल सिलेंडर है इस तरह से, इस वर्टिकल सिलेंडर का ना एलिवेशन पूछ रहा है, एलिवेशन कहने का मतलब कि फ्रंट व्यू। एन से जब हम लोग फ्रंट व्यू दिखते हैं, आप देखिएगा आपके घर में कोई पाइप होगा, सिलेंडर पाइप होती है, उस पाइप को आप साइड से टॉर्च मार के देखिए, तो साइड से जब टॉर्च मार के देखिएगा ना तो देखिएगा उसका छाया दीवार पर बनेगा, छाया कैसन बनेगा वो आप लोग चेक करके देखिएगा, तो छाया जो बनेगा वो रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, कैसा बनेगा रेक्टेंगल टाइप का। और अगर टॉप से देखा जाए तो टॉप वाला ये वाला छाया बनेगा, यानी टॉप से देखे के बाद वो ऐसे सर्कल टाइप का बनने वाला। तो यहाँ एलिवेशन मतलब कि फ्रंट व्यू, ठीक है। अगर प्लान पूछता तो प्लान मतलब कि टॉप व्यू हम लोग निकालते, और टॉप व्यू देखते तो टॉप व्यू हम लोग को सर्कल दिखता, लेकिन यहाँ पे एलिवेशन पूछा जा रहा है तो एलिवेशन में रेक्टेंगल दिखेगा बस। आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग का यहीं तक रहेगी, तो आज वाला सेशन में भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बन सकता है सारा का सारा हम लोग के साथ डिस्कशन कर देंगे। आज वाला जो सेशन रहेगा, आज वाला सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन में कितना आपसे क्वेश्चन बन सकता था वो भी मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक करते हुए जाइएगा, जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।